हेलो पब्लिक, तो कैसे हो सभी लोग? एंड यार, सेशन को लाइक शेयर कर दो एक बार, ठीक है? जो भी आईसर वाले बच्चे हैं एंड वो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आईसर एग्जामिनेशन 2022, तो आप लोग अगर पोर्टल पे चेक कर रहे होंगे तो हालांकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आईसर के रिगार्डिंग, राइट? एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि भैया आईसर का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एंड क्योंकि आप जस्ट पिछले एक महीने से, राइट, जो है अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला था 24 अप्रैल से, लेकिन लगातार पोस्टपोन्ड होता जा रहा है और मई की आज 20 मई हो चुकी है, यानी कि 20 मई आज हो चुकी है, लेकिन आईसर की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वारी है कि भैया आईसर का जो है हम क्या करें, राइट, आईसर के रजिस्ट्रेशन एंड अदर कि कब स्टार्ट होने वाला है, एटलीस्ट जो है रजिस्ट्रेशन कब होंगे स्टार्ट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे पास ये क्वारी करते हैं कि भैया आईसर की लास्ट डेट चली गई क्या, आईसर में हम अब कैसे रजिस्टर करें, क्या सारा सीन है, राइट? सो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। यार जनरली जो रजिस्ट्रेशन है वो होना था अप्रैल के अंदर स्टार्ट होने वाला था, एंड ड्यू टू द जेई मेन को पोस्टपोन कर दिया गया था इन जुलाई एंड जून, सो जो है आईसर को भी पोस्टपोन कर दिया गया, तो इसके कारण जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला था अप्रैल के अंदर ड्यू टू सम टेक्निकल एंड अनअवॉइडेबल इश्यू एट द पोर्टल ऑफ आईसर एडमिशन डॉट इन सर्वर एंड अदर, तो इसके एडमिशन जो अप्लीकेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है अभी। एंड आईसर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि भैया हम जो है अगर हम पोस्टपोन कर रहे हैं देन आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है हम अगर जितना जल्दी जो है IIT के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही हम आपको आगे जो है एक्सटेंड कर देंगे, राइट? यानी कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन अगर जून में स्टार्ट होते हैं देन ऐसा नहीं है कि जून में क्लोज कर देंगे, आपको पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, एटलीस्ट 25 से 26 डेज का टाइम मिलता है। सो जो है हालांकि अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 28 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए एंड हो जल्द ही इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो है अभी तक 17 मई को अपडेट दिया गया है कि जो भी है क्लोजिंग जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली जो भी होगा, लेकिन अभी तक जो ड्यू टू अनअवॉइडेबल टेक्निकल इश्यू की वजह से आईसन के जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुके हैं, जो भी कोई भी इश्यू रहा हो। लेकिन यार इससे कोई इम्पेक्ट पड़ सकता है क्या आईसर पे? यार इससे कोई इम्पेक्ट ज़्यादातर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपके जो क्लासें हैं वो एटलीस्ट सितंबर तक तो स्टार्ट किसी भी हाल में नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन योर KUPY एग्जाम एंड JEE एडवांस एग्जाम एंड जस्ट लाइक IIT टेस्ट। जब तक आपका JEE एडवांस जस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता और KUPY कंडक्ट नहीं हो जाता, अब अगर अपन KUPY की बात करें तो KUPY का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 मई 2022 को, यानी कि आज 20 मई हो चुकी है, 22 मई को जो है KUPY का एग्ज़ाम होने वाला है। अब जैसे ही KUPY का जो रिजल्ट आता है तो बच्चे एडमिशन लेंगे जस्ट लाइक IISc बेंगलोर के अंदर, देन आईसर के अंदर, राइट? आईसर में जो तीन पोर्टल होते हैं वो एटलीस्ट साथ साथ ही स्टार्ट होते हैं या फिर उनके रजिस्ट्रेशन, एंड आपको जो चार्ज देना पड़ता है 2000 एंड 1000 जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है, तो उसके हिसाब से जो सीटें अलॉट होती है। अब ऑलमोस्ट जो तीनों जो पोर्टल है, ठीक है, आपका जो भी IIT टेस्ट, देन जो भी है KUPY की टेस्ट, देन जो भी है आपका JEE एडवांस टेस्ट, राइट? सो उन सब के थोड़ा थोड़ा, तो जस्ट ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ ही हो जाएंगे स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस रहता है डेट का, लेकिन जस्ट आपका मेन इम्पोर्टेंट है कि IIT टेस्ट में इस बार बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है अप्लाई करने वाले हैं, तो इस कारण इतने साल क्या होता था ओनली फॉर 20% बच्चे अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, देन इनको ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो ये सारा सीन है। और जस्ट आप बिल्कुल घबराए नहीं यार, प्रिपेयर करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और जस्ट आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। एंड आईसर के जो है हमारे नए कोर्सेज प्लान स्टार्ट हो रहे हैं, एंड अभी जो इनकी क्लासें स्पेशल जुलाई के अंदर नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, और आईसर KUPY CMI ISI एंड मेनी कोर्सेज आर स्टार्टेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही क्लासें ले सकते हैं, देन यू कैन इनरोल नाउ, राइट? तो थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और जैसे ही आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपका, आपको जल्द ही अपडेट किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।